हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का यूपीपीएससी यूपीएससी मेंस की सीरीज़ में वापस एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। तो हम लोग कर रहे हैं जनरल स्टडी पेपर वन का पॉइंट नंबर वन, जिसकी हेडिंग दी हुई है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप। तो इस कला की श्रेणी में हम लोग कर रहे हैं स्थापत्य कला और वास्तुकला। इसके बाद संगीत, नृत्य और जो भी चीज़ें आगे होती हैं वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। बट इस वास्तुकला जो है वो काफ़ी वास्ट टॉपिक था, तो ऑलमोस्ट एक या दो क्लासेस और रह गई, ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। बस मॉडर्न इंडिया का हम लोगों का रह गया है, वो हम कर लेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो एक एक दो दो क्लासेस में, जैसे नृत्य का हो गया, संगीत का हो गया और भी कला के जितने भी स्वरूप हैं उसके बारे में जो भी हम चर्चा करेंगे वो एक से दो तीन क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे ही सिलेबस आगे गो थ्रू हम लोग करते रहेंगे। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों की सीरीज ऐसे ही लगातार कॉन्टिन्यूसली आती रहेगी और फटाफट हम लोग ये जो कोर्स है इसका यूपीपीसीएससी या यूपीएससी दोनों का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, यूपी का थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाएगा, तो उसको भी मैं साथ के साथ कराती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि अब हमने लास्ट अभी जो पहले इससे पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सल्तनत काल था उसी टाइम में एक मुगल काल से पहले और सल्तनत काल के बाद प्रांतीय शैलियाँ आई थी। प्रांतीय शैलियों में मालवा की शैली थी, जौनपुर की शैली थी, बंगाल शैली थी, स्थाप और दक्षिण भारत की शैली थी, गुजरात की शैली थी। इनमें क्या क्या विशेषताएँ थी, किस टाइप के मंदिर मस्जिद जो भी बनाए गए थे वो किस टाइप के थे और उदाहरण क्या क्या थे इनके, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम देखते हैं कि मुगलकालीन स्थापत्य कला जिसमें विभिन्न शासकों ने शासन किया तो उसमें क्या क्या नए स्थापत्य, जो भी नए बिल्डिंग्स बनी, इमारतें बनी, उनमें क्या क्या नई चीज़ें थी और वास्तुकला की इनमें क्या विशेषताएँ थी, तो ये देख लेते हैं। और जो व्यूअर्स प्लीज़ पहली बार देख रहे हैं चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे का पार्ट इसका। तो मुगलकालीन स्थापत्य कला और वास्तुकला की जो हम नॉर्मल विशेषताओं की बात करें तो इसमें ये विशेषताएं मैंने यहाँ पर दे रखी हैं। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि आप मुगलकालीन स्थापत्य और वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तो आप ये प्रॉपर ये पॉइंट्स लिखेंगे, और अगर अलग अलग पर्टिकुलर शासकों के बारे में पूछा जाएगा तो उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो पहले यहाँ पे है दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित वास्तुकला की भारतीय इस्लामी शैली का विकास जो है वो मुगल काल में हुआ, मतलब कि जो भारतीय इस्लामी शैली थी वो मुख्यतः जो विकसित हुई है वो मुगल काल में हुई थी। सल्तनत काल में भी थी बट आगे जो उसको आगे बढ़ाने वाला कार्य था वो मुगलों ने किया था। मुगल वास्तुकला में फारस, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर आदि सभी स्थानों का एक अनोखा मिक्सचर यहाँ पर प्राप्त होता है। मुगलों ने अनेक भव्य महल, किले, द्वार, मस्जिद, बावलियाँ आदि का यहाँ पर निर्माण किया था। वास्तव में महलों तथा अन्य विलास भवनों में बहते पानी का उपयोग मुगलों की विशेषता थी। आपने जैसे आगरे के किले में भी देखा होगा कि चार बाग टाइप में एक बीच में पानी की नाली टाइप में बनाई गई है, बहुत अच्छा फुवारा बीच में से निकलता है। तो जो पानी का यूज़ किया था इन लोगों ने महल बनाने में या फिर जो भी विलास की भवन बनाने थे उसमें जो पानी का यूज़ किया था सबसे पहले ये मुगलों ने ही यूज़ किया और उनकी विशेषता थी। पहले भी कुछ इमारतों में किया गया है ये, बट लेकिन अगर हम मेन में बात करें तो ये मुगलों की ही विशेषता रही थी। निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर के अलावा प्लास्टर और गच्चकारी का प्रयोग भी मुगलों की ही एक विशेषता मानी जाती है। मुगल काल में वास्तुकला के क्षेत्र में पहली बार आकार एवं डिजाइन की का विविधता से यहाँ पर प्रयोग किया गया, मतलब बहुत ही पच्चीकारी का प्रयोग किया गया यहाँ पे, और जैसे हम कहते हैं मेहराब का प्रयोग किया गया, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो पहली बार मुगल वास्तुकला के क्षेत्र में विविधता से अलग अलग ढंग से प्रयोग किया गया। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं कि कौन से शासक ने क्या क्या चीज़ें की यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम बाबर की बात करेंगे। तो बाबर भारत में अल्पकालीन शासन नामे आया था, मतलब आप लोगों को पता ही है कि बाबर का शासनकाल, ये हिस्ट्री का टॉपिक है कि शासनकाल कितना था, उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि उसने क्या क्या निर्मित करवाया, क्या क्या वास्तुकला के क्षेत्र में उसने क्या क्या विकास किया, तो उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो उसका अल्पकालीन शासनकाल में था लेकिन उसने फिर भी वहाँ पर वास्तुकला में रुचि ली थी। निर्माण कार्य जो था उसका हिंदू शैली में निर्मित ग्वालियर के मानसिंह एवं विक्रमजीत सिंह के महलों से सर्वाधिक उसका प्रभावित था।
बाबर नामा जो एक संस्मरण है उसने खुद लिखा है, उसमें तत्कालीन स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन का अभाव, मतलब यहाँ से शुरुआत तो हुई वास्तुकला की, मतलब ये पर एक पर्टिकुलर जो बैलेंस होता है, जो पर्टिकुलर शार्पनेस होती है, वो बाबर की वास्तुकला में यहाँ पर नहीं थी, जिसका जिक्र उसने बाबर नामा में कर रखा है। भारतीय युद्धों से फुर्सत मिलने पर बाबर ने अपने आराम के लिए आगरा में ज्यामिति आधार पर आराम बाग का निर्माण करवाया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्थापत्य कला है बाबर के बारे में। ज्यामिति कार्यों में उन्होंने अन्य करवाए थे, पानीपत में काबुली बाग में निर्मित एक स्मारक मस्जिद जो कि 1524 में करवाया था, रुहेलखंड के संभल नामक स्थान पर निर्मित जामी मस्जिद जिसका निर्माण उसने 1529 ईस्वी में करवाया था। चलिए हुमायूं की बात करते हैं। तो हुमायूं का शासनकाल आप जैसे ही जानते हैं कि बहुत ही बड़ा नहीं था और उसने बहुत ही खास काम नहीं किया, उससे कुछ दिनों तक दिल्ली सल्तनत से बाहर भी रहना पड़ा था, तो इसलिए उसने उसकी राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वो प्रतिकूल थी, इस कारण से हुमायूं वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खास काम नहीं कर पाया था। 1533 में दीन पना धर्म का शरण स्थल जिसे बोला जाता है उस नामक एक नगर की नींव उसने रखी, पुराना किला के नाम से इसे अब जाना जाता है, जो आप दिल्ली में पुराना किला के नाम से जो चिड़ियाघर के बगल में है उसको कहा जाता था उस समय जब उसने बनाया था दीन पना। और इसकी जो दीवारें आप लोगों ने देखी होंगी तो बनी है रोड़ी से प्रॉपर उसकी दीवारें बनी हुई, ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें। इसके अतिरिक्त हुमायूं ने दो मस्जिदें जो फतेहाबाद में 1540 में बनाई थी, फारसी शैली में निर्मित है, तो दोनों मस्जिदें फतेहाबाद में बनी थी और जिसका निर्माण फारसी शैली में हुआ है। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुमायूं ने क्योंकि इसका शासनकाल कम भी था, प्लस इसको एक जगह टिक के नहीं रहा था ये बहुत दिनों तक अपने राजा के पद पर, तो इसी वजह से इसने बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाया ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को हराया और काफ़ी टाइम तक दिल्ली पर राज किया, शासन किया। तो शेरशाह का लघु समय का शासनकाल मध्यकालीन भारत की वास्तुकला के क्षेत्र में संक्रमण काल इसको कहा जाता है। दिल्ली पर कब्जा कर सेड़गढ़ या दिल्ली शेरशाही की इसने नींव रखी थी। सासाराम बिहार में उसका प्रसिद्ध मकबरा है तथा पुराना किला दिल्ली में उसकी मस्जिद वास्तुकला के आश्चर्य नमूने हैं। मतलब कि हम यहाँ बात करें तो सासाराम जो बिहार में एक जगह है वहाँ पर इसका मकबरा है और पुराना किला जिसकी नींव रखी थी हुमायूं ने उसके अंदर एक मस्जिद बनवाई है जो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। आज इस नगर के अवशेषों में लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा ही देखने को मिलते हैं, काफ़ी इसके अवशेष जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। शेरशाह ने दीनपना को तुड़वाकर उसके मलबे पर पुराने किले का निर्माण करवाया जो कि दीनपना बनवाया था हुमायूं ने, जैसे कि हमने बात की थी, और उसकी दीवारें जो बनाई थी वो रोड़ी से बनाई गई थी। 1542 ईस्वी में शेरशाह ने इस किले के अंदर किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जैसा कि हमने ऊपर भी अभी देखा था इसको। इसके अलावा बिहार के रोहतास नामक स्थान पर शेरशाह ने किले का भी निर्माण कराया था। शेरशाह का जो मकबरा है जो कि हमने अभी बात की सासाराम में है, झील के अंदर एक ऊंचे टीले पर निर्मित हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना है जो बाहर से मुस्लिम प्रभाव और अंदर से हिंदू प्रभाव में निर्मित है। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। किला कोहना मस्जिद को उत्तर भारत के भवनों में अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर भी बसाया था। 1541 में उसने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया था, तो ये भी उसने एक नया निर्माण यहाँ पर हम कह सकते हैं किया था। शेरशाह ने दिल्ली में लंगर की स्थापना की थी जहाँ पर संभवतः 500 तोला सोना हर दिन व्यय किया जाता था। तो इसने इतने महत्वपूर्ण जो कार्य किए थे अपने छोटे से शासनकाल में, इसको आप अपने जो आंसर शीट है उसको अपने शब्दों में लिख के इसे डिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी अच्छे एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अकबर के शासनकाल की। तो अकबर का शासनकाल निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय था। आप लोग जानते हैं जो अकबर था वो धर्मनिरपेक्षवाद में विश्वास रखता था, तो उसके जो भी निर्माण कार्य वास्तुकला स्थापत्य कला हुई हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों के एक समन्वय था, दोनों का मिलाजुला रूप था।
अकबर पहला मुगल सम्राट था जिसके पास बड़े पैमाने पर निर्माण करवाने के लिए समय और साधन थे। आप जानते हैं कि अकबर का शासनकाल काफी लंबा शासनकाल था मुगल साम्राज्य के लिए। कई किलों का निर्माण करवाया था इसने। सबसे प्रसिद्ध है आगरे का किला, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि लाल पत्थर से बना है और इस किले में कई भव्य द्वार भी बनाए गए हैं। 1572 में अकबर ने आगरे से करीब 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में किलेनुमा महल का निर्माण आरंभ किया, जो कि 8 वर्षों में ये पूरा हुआ। तो ये आप जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो राजपूत पत्नियां जो थी अकबर की, सॉरी यहाँ पे मैं एक पेन चूज कर लूँ पहले, जाकि आपको एक हाईलाइट करके बता सकूँ। हाँ, तो राजपूत पत्नियों के लिए बने महल सबसे अधिक गुजराती शैली में बनाए जाते थे, क्योंकि उनकी जो राजपूत मदनियाँ थी मुख्यतः राजस्थान और गुजरात से ही थी। दीवारों तथा छतों की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए चमकीले नीले पत्थरों में ईरानी या मध्य एशिया का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अब फतेहपुर सीकरी का सबसे प्रभावशाली जो हम बात करें तो वहाँ की मस्जिद तथा बुलंद दरवाज़ा, जो कि आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा भी है, जो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। ये ईरानी शैली से लिया गया था, जो कि वहाँ मस्जिद बनी और बुलंद दरवाज़ा, और बाद में मुगल भवनों में आम रूप से प्रयोग किया जाने लगा। मतलब कि ईरान शैली से ये सारी शैलियाँ ली गई और बाद में जो भी स्थापत्य कला मुगल शासनकाल में हुई उनमें सब में ये चीज़ें प्रयोग किए जाने लगी। चलिए जहांगीर के शासनकाल की अब हम बात कर लेते हैं। तो वास्तुकला के क्षेत्र में जहांगीर ने बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई। उसकी रुचि जो थी कला में भी मुख्यतः उसकी रुचि पेंटिंग में थी, चित्रकारी में थी, जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। इसने बाग बगीचों और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया था। कुछ इतिहासकारों ने जहांगीर के काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल भी कहा था। तो ये प्री का क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। जहांगीर के शासनकाल के अंत तक ऐसे भवनों का निर्माण आरंभ हो चुका था जो पूरी तरह संगमरमर के बने थे और उनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई। तो लास्ट टाइम आते आते उसने भी कुछ ऐसे कार्य किए जिससे उसका नाम भी कुछ स्थापत्य कला में जुड़ सके। चलिए शाहजहां की बात करते हैं, जिसे स्वर्ण काल कहा जाएगा। मुगलों के शासनकाल के दौरान शाहजहां का जो वास्तुकला के क्षेत्र में काम था, निर्माण था उसके क्षेत्र में। तो शाहजहां का काल सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। इस समय संगमरमर जोधपुर के मकराना नामक स्थान से आता था, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और ये वृत्ताकार कटाई के लिए बहुत अधिक उपयुक्त था। नक्काशी युक्त या पंडिल मेहराबे, बंगाल शैली के मुड़े हुए कंगूर, जंगले के खंभे आदि शाहजहां के विशेषताएं थी। ये सारे नाम हैं जो कि स्थापत्य कला में यूज होने वाली चीजें हैं, तो इसको आप यहाँ पे एज इट इज याद रखेंगे। अकबर की इमारतों की तुलना में शाहजहां की इमारतें चमक धमक और मौलिकता में घटिया थी, परंतु अति व्यपूर्ण प्रदर्शन और समृद्ध कौशलपूर्ण सजावट में अतिरिक्त थी। हम यहाँ कह सकते हैं कि अकबर ने जो इमारतें बनवाई थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और मतलब शाइनिंग वाली थी। और यहाँ पे जो शाहजहां ने इमारतें बनवाई थी उसमें रत्नों का काम अधिक किया गया था, उसमें दिखावटी काम अधिक किया गया था, और उसमें जैसे कि था नक्काशी का काम ज़्यादा किया गया था। यहाँ पर शाहजहां काल की वास्तुकला एक अधिक बड़े पैमाने पर रत्नों के सजाने की कला थी। मतलब कि जैसे कि हमने बात की, यहाँ सजावट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जैसे कि आपने ताजमहल में देखा ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं औरंगजेब की, और इन लोगों की जो जो स्थापत्य कला है उसके बारे में भी मैं एक बार आपको जब PDF दूंगी तो बता दूंगी कि किसने क्या एक पर्टिकुलर स्थापत्य का निर्माण किया, कौन सी इमारतें किसने बनवाई, तो उसको मैं PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। औरंगजेब की बात करते हैं, तो 1659 में दिल्ली में मोती मस्जिद के अधूरे कार्य को औरंगजेब ने ही पूरा करवाया था। 1674 में उसने लाहौर में बादशाह मस्जिद का भी निर्माण इसने करवाया, और 1678 में औरंगजेब ने, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, कि बेगम रबिया दुरानी के स्मृति में औरंगाबाद में एक मकबरे का निर्माण करवाया था, जिस मकबरे को बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। ये मकबरा आएगा यहाँ पर, बीबी का मकबरा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो कि औरंगाबाद में है,
और ये करवाया था औरंगजेब ने अपनी वाइफ जो थी बेगम रबिया दुरानी के याद में। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ताजमहल की फूहड़ नकल थी, मतलब कि इसे एज इट इज ताजमहल की तरह बनवाने की कोशिश की गई, बट वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई थी। इस मकबरे के माध्यम से मुगल स्थापत्य कला में पतन को स्पष्ट रूप से अनुभव किया गया, मतलब कि पता चल गया कि जो शानो शौकत, जो चमक धमक, जो मौलिकता दिखाई देती थी अब तक मुगल काल में, औरंगजेब काल आते आते वो बिल्कुल ढलने लगा, बहुत ज्यादा पतन होने लगा उसका। बीबी का मकबरा अकबर और शाहजहां के काल के शाही निर्माण से अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब जो अभी तक ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, ये सब बनवाया गया, उसके बाद लास्ट जो स्थापत्य कला जो कि कह सकते हैं बीबी का मकबरा था, उसमें हम पतन देख सकते हैं कि पहले की और बाद में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। लेकिन हम बीबी का जो मकबरा है उसे दक्षिण भारतीय ताज के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो आज हमने मुगल स्थापत्य कला के सारे जो भी शासक थे उसके बारे में बात की, और आगे जो इनके शासक हैं वो आप लोग खुद ही जानते हैं कि उन्हें उत्तर मुगल काल शासक कहा जाता है, जो कि बहुत ही कमज़ोर थे। ये इनको अपने शासन को संभालने की शक्ति नहीं थी, तो ये वास्तुकला में और क्या ध्यान देते। तो इन्होंने आगे बहुत ज़्यादा कुछ निर्माण कार्य में बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया, तो इसके बारे में आगे हमें बात नहीं करनी है। अब इसके बारे में इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे कि उसमें कैसे कैसे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ज़रूर करिएगा, कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और मैं जितनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रही हूँ, प्लीज़ आप एक कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ ये मेहनत सफल है या नहीं है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।